उसने कहा था ज़्यादा बड़े सपने मत देखो, उनकी कीमत नहीं चुका पाओगी। पर हर रात हमारे दिल में लगातार समंदर की तरह लहरें उठती थीं, जो सपनों की कीमत चुकाने को तैयार थीं। हम वही कीमत चुका रहे थे। तुम्हें गाने सुनना पसंद है? मेरा ये टेप ठीक कर दोगे? 38 दिन हो गए थे हमें उस कमरे में बंद हुए, ना धूप ना सांस, ताकि हम जल्दी टूट जाएं। अगर धंधे के लिए मना करते तो बहुत बुरी तरह मारते ये लोग। रोज 5 से 7 आदमी आते थे, लेकिन लहरें उठना बंद नहीं हुई थी। रेखा बनेगी, चल मैं आज अमिताभ बनता हूँ। ड्राइवर हूं मैं, पूरा दिन गाड़ी चलाता हूं, पसीना आता है, बदबू नहीं आएगी? ये क्या नाक में उंगली डाल रखी है? एक बात पूछे आपसे? पूछो। मेरा ये टेप ठीक कर दोगे? सारे रास्ते तो आपको पता होंगे। जिंदगी काटती रास्ते नापते नापते। यहाँ फिल्में कहाँ बनती हैं? हीरोइन बनना है? अपनी औकात से बाहर के सपने मत देखा करो। यहाँ रेलगाड़ी तो बहुत तेज चलती है ना? लोगों को बहुत जल्दी है यहाँ के, इसलिए। जब भी निकलती है तो पीछे से बहुत आवाज आती है। पीछे से?
तेरा बाप चलाता ट्रेन पीछे से, ट्रेन स्टेशन उधर है 3 या 4 किलोमीटर दूर। अच्छा तो फिर कुछ और ही होगा, वो बस वाले की आवाज आती है ना नीचे से, स्टेशन स्टेशन, तो दूर ही होगा स्टेशन नीचे से। भैंचोत क्या धरती के नीचे से आती है? इस गली में भैंचोत पांव रखने के लिए जगह नहीं इंसान के लिए, तू बस को घुसा दे वहां पे। यहां से समंदर कितना दूर है? समंदर नाला बना दिया भैंचोत। आप रोज देख सकते हैं ना, इसलिए आपको नाला लगता है। आधी रात को ना इस दीवार पर कान लगाकर ध्यान से सुनना, तुम्हें समंदर की आवाज भी सुनाई देगी और इसकी भी। कोई सपना हमारी औकात के बाहर नहीं होता, बस उसकी कीमत चुकाने में कुछ दिन, महीने या साल लग सकते हैं। मेरा टेप ठीक कर दोगे?